सो हमारे पास यहाँ पे जो एक वर्ड है वो है सिर झुकाना, और सिर झुकाना को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बो, जिसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये एक वर्ब है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ही बॉव्ड रिस्पेक्टफुली टू द जनरल मैनेजर बिफोर स्पीकिंग। बात करने से पहले उसने जनरल मैनेजर के सामने आदर पूर्वक तरीके से सिर को झुकाया। ही बॉव्ड हिज हेड इन शेम व्हेन ही वॉज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट। जब वो चोरी के लिए पकड़ा गया तो वो शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। यू शुड नॉट बो बिफोर हिम। उसके सामने तुम्हें सर नहीं झुकाना चाहिए। आई कैनोट बो बिफोर हिम। मैं उसके सामने सर नहीं झुका सकता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि सर झुकाना का इंग्लिश होता है बो, और इसको सेंटेंसेस में इस प्रकार यूज किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है परेशान करना या तंग करना, को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बॉदर। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज करते हैं। तो जैसा कि देखिए, डोंट बॉदर अबाउट इट, टेल मी वॉट इज बॉदरिंग यू। मुझे बताओ तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। आई एम सॉरी टू बॉदर यू। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको तकलीफ दी, थोड़ा परेशान किया, इस तरह का इसका भाव है। इट डजंट बॉदर मी वेदर शी कम्स हियर और नॉट। सो ये वर्ड भी आपने समझ लिया होगा, परेशान करना को इंग्लिश में हम बोदर बोला करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है डिंग मारना या डिंग हांकना, उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बॉस्ट। बॉस्ट का मतलब होता है डिंग मारना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, इस टाइप का इसका मतलब होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए देखते हैं। डोंट बिलीव हिम, ही इज जस्ट बॉस्टिंग। यानी उसके बातों पे भरोसा ना करो क्योंकि वो बड़ी बड़ी फेंकता है, ये इसका एक जनरल मीनिंग होगा। ही ऑलवेज बॉस्ट्स अबाउट ही सन्स विक्ट्री। वो हमेशा क्या करता है, अपने जो लड़का है उसकी जीत के बारे में हमेशा क्या करता है, बॉस्ट करता रहता है, ठीक है, चढ़ा बढ़ा के बातें करता रहता है, डिंग हाँकता रहता है, ऐसा हम इसको कहेंगे। देयर इज नथिंग टू बॉस्ट अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द पीपल इंजॉय बॉस्टिंग अबाउट दियर अचीवमेंट्स। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो अपने अचीवमेंट के बारे में डिंग हक के बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं, ये इसका भावार्थ है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज झांसा देना। झांसा देना को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ब्लफ, और इसका जो सेंटेंस में यूज होगा वो कुछ इस प्रकार से यूज होगा। यू कैनोट ब्लफ मी, यानी कि तुम मुझे झांसा नहीं दे सकते हो। डोंट बिलीव हिम, ही इज जस्ट ब्लफिंग। यानी उसके बातों पे भरोसा मत करो, वो तुम्हें झांसा दे रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू ब्लफ मी इन टू थिंकिंग दैट ही वॉज एन इंस्पेक्टर। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो झांसा देने की कोशिश कर रहा था मुझे, ताकि मैं ये समझूं कि वो कोई एक इंस्पेक्टर वगैरह है। द थीफ ब्लफ्ड द गार्ड लेटिंग हिम इन। यू शुडंट ब्लफ हिम बिकॉज ही ट्रस्ट यू। नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है धूप सेकना। जैसे कि जब आप लोग धूप वगैरह में बैठते हैं, जैसे ठंडा का जब माहौल होता है तो ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं, ताकि हम लोग जिसको कहते हैं सन बाथ लेना, ठीक है, उससे हम लोगों को विटामिन डी वगैरह मिला करता है। तो धूप सेकना, धूप लेना, धूप का मजा लेना, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन के साथ अगर हमें बातचीत करनी है तो उसके लिए एक वर्ड आता है बास्क। क्या बोलेंगे, बास्क, ठीक है। तो बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज करेंगे, चलिए यहां पे देखते हैं। मेनी पीपल वर बास्किंग इन द सन ऑन द बीच। बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जो चेयर में लेट कर धूप का मजा लेते हैं। आई सैट आउट इन ग्राउंड बास्किंग इन द सन। यानी कि मैं क्या किया, अपने ग्राउंड के बाहर गया, वहां पे बैठा और धूप में क्या कर रहा हूं, धूप ले रहा हूं। शी इज
बास्किंग इन द सन, वो जो है वो क्या कर रही है, धूप ले रही है, धूप सेका रही है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो धूप को सेंकना, ठीक है, धूप सेंकना यानी कि धूप लेना, ठीक है, सन में बैठना, उसको हम लोग कहते हैं बास्क।